हेलो वेलकम बैक टू न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग। तो मैं सौरभ आ चुका हूँ एक न्यू धमाकेदार वीडियो के साथ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा जो फर्स्ट सर्विस होने वाली है TVS राइडर की, तो उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊँगा। एक्चुअली मैं देखो काफ़ी ट्राई किया कि सर्विस का पूरा वीडियो मैं बनाऊँ, बट जो सर्विस जो करने वाले थे ना वहाँ के, मतलब क्या बताऊँ, स्टाफ का बिहेवियर उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। तो तब भी मैंने बहुत हद तक वीडियो वगैरह बना लिया है, तो वो आप लोगों को मैं दिखा दूँगा। एंड फर्स्ट सर्विस में कितने कॉस्ट लगे सब कुछ मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एंड सर्विस मेरे 4-5 दिन पहले ही हो चुकी है, ठीक है। एंड मैं काफ़ी टाइम से गाड़ी भी नहीं निकाल रहा था, तो सर्विस के बाद मैंने गाड़ी यूज़ किया, उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड सर्विस में कितनी कॉस्ट लगी सब बताऊँगा इस वीडियो में। उसके बाद मैंने कुछ मॉडिफिकेशन भी गाड़ी में करवाया था, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बोला था टायर हगर वगैरह की, तो वो मैंने यहाँ पर लगवा लिया है। तो सर्विस वाले जो है वो नहीं लगाए, ठीक है, तो मैं खुद से अपने बाहर से ही उसको लगाना पड़ा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, एंड पूरा स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड क्या क्या प्रोसेस था एंड किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए सर्विस के टाइम, उस सारा वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जा भैया खाए हो भैया। तो फ्रेंड जो मैं सर्विस में गया था गाड़ी का, तो सर्विस का जो है मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सर्विस की। मैं किसी काम को लेकर के मैं जो है वो उससे सैड नहीं हूँ, बट उनका काम को देख करके मैं खुश हूँ। लेकिन उनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग था, जो कि आप लोग जैसे चाहते हो कि सर्विस सेंटर में आप जैसा डिमांड करना चाहते हो वैसा वहाँ पे मुझे नहीं मिला। बट वो सब जगह नहीं होती है, कुछ कुछ जगह होती है। एंड मैंने सर्विस में क्या क्या करवाया वो मैं आप लोगों को बिल निकाल कर दिखाता हूँ। तो ये है हमारा 100 TVS, ठीक है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ, हमारा बिल इसमें दिया हुआ। तो ये देखो मेरा बिल ये है, ठीक है। एंड बिल में हमारा जो कॉस्ट बना है ये इसके अंदर मैंने रखा था, तो इससे मैं निकालता हूँ। ये है हमारा फर्स्ट सर्विस का बिल, देखो यहाँ पर हमारा कॉस्ट जो लगा ये हमारा देख लो, इंजन ऑयल का 675 रुपीज़ ये हमारा इंजन ऑयल का चार्ज लगा है। एंड उसके बाद 400 रुपये ये हमारा कोटिंग का लिया है, ठीक है, जो कि मैंने फर्स्ट सर्विस के जब मैंने गाड़ी शोरूम से निकाला था उस समय भी हमने कोटिंग करवाई थी। एंड जब मैंने इसको सर्विस में दिया तब भी मैंने इसको कोटिंग करवाया, मतलब उन्होंने रिकमेंडेड किया कि कोटिंग कर लो अच्छी रहेगी, तो थोड़ी बहुत जो हमारे स्क्रैचेस थे वो हट चुके हैं। एंड कोटिंग जो है इस बार फुल हुआ है, जितना भी आप देख रहे हो हर एक पार्ट्स में मैंने कोटिंग करवाई, ये सारे में, इसमें 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 सारे में जो है उन्होंने कोटिंग किया था हर एक पार्ट में, ठीक है, इन सब में मैंने कोटिंग किया था, यहाँ तक कि हमारा इग्नोस जो है उसमें भी मैंने
एग्जॉस्ट में भी मैंने करवा दिया था, ठीक है। वो एग्जॉस्ट को छोड़ रहे थे, बाद बाकी मैंने बोला कि भैया मार दो थोड़ा बहुत, और बहुत ही अच्छे तरीके से कर दिया। उसके बाद गाड़ी बहुत ही अच्छी जो है लाइटिंग हो गई थी हमारा, बिल्कुल जैसे कि सर्विस सेंटर से मैं निकाल के लाता हूँ। एंड ये 675 हमारा जो है इंजन ऑयल का चार्ज लगा। एंड इंजन ऑयल हमने कौन सा मतलब मेरे गाड़ी में दिया गया वो मैं आप लोगों को यहाँ से बता दे रहा हूँ, देख लो। एंड उसके बाद हमारा डेट जो है सेकंड सर्विस का 26/6/2022, मतलब 26 जून को हमारा सेकंड सर्विस डेट है, नहीं तो वो बोले कि आप किलोमीटर के हिसाब से वापस आ सकते हो। टोटल 6 मंथ होना चाहिए, ठीक है। एंड हमारा इंजन ऑयल इन्होंने ये वाला यूज किया है, देख सकते हो आप लोग, ये वाला, ठीक है, 1 लीटर का पूरा बोल रहे थे कि यूज हो गया है। एंड पता नहीं मुझे कितना इसमें क्या लगा, बट मैंने पूछा तो वो बोले कि पूरा आपका जो है इंजन ऑयल यूज हो गया। उसके बाद हमारा जो मीटर में थोड़ी बहुत दिक्कत थी, तो उनका जो सॉफ्टवेयर जो होता है, जो डिवाइस होती है सॉफ्टवेयर की, वो उनका ख़राब हो गया था, तो इसलिए बोले कि आप बाद में आना, मैं उनका कर दूंगा। तो प्रॉब्लम ये आती थी हमारे मीटर में, जब आपको पता होगा कि TVS राइडर जितने भी हैं उसका जीरो मतलब गियर शिफ्टिंग में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, 2, 3, 4 गियर करने पर ये जीरो हो जाती है, ठीक है, ज़्यादातर ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ को मैंने ध्यान से उनको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टंकी में जो ऑयल रहने के बाद भी यहाँ पे हमारा ब्लिंक करता है, देखो अभी भी ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली अभी नहीं है तो इसलिए ब्लिंक कर रहा है, लेकिन जब ना होने पर भी ये कभी कभी ऐसा ब्लिंक कर जाता है। उसके बाद हाँ, मैंने चैन क्लीनिंग नहीं करवाया था, चैन स्प्रे काफ़ी जगह सर्विस सेंटर में होता है, बट मैंने नहीं करवाया क्योंकि इसका चार्ज वो काफ़ी ज़्यादा ले रहे थे। इससे अच्छा कि मैं खुद से चैन स्प्रे जो है ख़रीद करके खुद से कर लूँगी, क्योंकि उनका चैन क्लीनिंग जो सिस्टम था मतलब बहुत मुझे अच्छा नहीं लगा, 400-500 रुपये ले ले रहा था, एंड उससे अच्छा मैं खुद से खरीद के कर सकता था। एंड चैन वगैरह ये जितना भी देखो हर एक पार्ट को मैंने अच्छे से जहाँ पर भी नट वगैरह लूज था वो सारा मैंने टाइट करवा दिया। उसके बाद ये है हमारा मडघाट जो कि मैंने लगवाया है बारिश के कारण, ठीक है, जो कि हमारा ये पूरा गंदा कर दिया, बट लगाने के बाद अब देखो यहाँ पे हमारा कहीं पर भी कोई भी पानी का कोई भी गंदा नहीं आया है, ठीक है। ये लगवाया मैंने बाहर से, एंड ये हमने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हमें 1000 रुपये के पड़ा, और लगाने का कोई चार्जेस नहीं, बिकॉज ये आप खुद से भी कर सकते हो यदि पॉसिबल हो तो, लेकिन आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से मत करना, ठीक है। एंड बहुत ही इजी मेथड था, ये लग चुका है आराम से, और बहुत ही अच्छा हमें परफॉर्मेंस मिल रही है इसकी, ठीक है। और इसको जब भी लगाओगे भाई, देख लो यहाँ पे जो सीरियल होती है ना, देख लो यहाँ पे एक इस तरह करके जो आप लोगों को होल दिख रहा है, ठीक है, ये सबको ध्यान में लेके रखना, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इसमें लगेगी, ठीक है। ये इसके साथ जब आप डबल लोडिंग किसी को बैठाओगे, बम्पर वगैरह में जाओगे, तो ये पूरा दब कर इसमें खट 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 बार बार लगेगी। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा टायर के साथ इसको देख लो, चिपका कर लगाना, ताकि आप लोगों का इसके साथ इसमें ना लड़े, और नहीं तो ये ख़राब होगा, नहीं तो ये ख़राब होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, अदरवाइज़ गाड़ी में सर्विस में हमारा यही कुछ 1100 के आसपास, मतलब 1075 रुपये हमारा लगा टोटल कॉस्ट। एंड जितना भी चीज़ देख लो, हर एक चीज़ को मैंने ब्रेक वगैरह सबको अच्छे से ध्यान से सर्विस करवाया, ताकि हमारा कुछ भी दिक्कत ना हो। और यहाँ पे हमारा दोनों व्हील जो है खुला था, फ्रंट एंड बैक दोनों व्हील खोलने के बाद अच्छे से इसमें ग्रीस वगैरह किया उन्होंने, दोनों साइड डिस ब्रेक वगैरह सब कुछ टाइट कर दिया अपना। चैन कितना टाइट है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, देखो मैं आप लोगों को करके दिखा रहा, देखो कितना उन्होंने टाइट कर दिया, क्योंकि मैंने ही बोला था चैन वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से भैया टाइट कर देना, क्योंकि चैन वगैरह जितना लूज रहेगा आप लोगों के लिए नुकसान होगा, माइलेज उतनी ही कम देगी, ऑयल ज़्यादा खाएगा। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, अदरवाइज़ एवरीथिंग ओके। और कोटिंग जो मैंने करवाया वो हर एक पार्ट में, एंड कुछ दिन से देख रहा हूँ ये हमारा लूज हो गया, देखो ये हल्का भी मैं पुश कर रहा हूँ खुल के निकल जा रहा है। तो अभी हमारे पास इसका कुछ टूल्स दिया जाता है सर्विस सेंटर से, ये खुद से मैं भी करता हूँ। तो कुछ चीज़ें सर्विस सेंटर वाले हम लोगों को दे देते हैं गाड़ी के साथ, ताकि हम लोगों को बहुत ईजी हो जाता है, जैसे कि हमारा यहाँ पर एक छोटा सा मिनी बॉक्स दिया गया, इसमें हमें टूल किट्स हैं, तो इसको भी मैं यहाँ से निकालता हूँ एंड इसको यूज करता हूँ अभी मिरर के साथ, जो कि हमारा मिरर में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो यहाँ से मैं इसको निकाल ले रहा हूँ टूप। तो ये कुछ 3 चीज़ें दिया जाता है टूल्स, जो कि आप अपना गाड़ी में कहीं पर भी किसी भी टाइप के यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं 12 इंच का 12 नंबर का जो इंच है इसको अभी यूज करने वाला हूँ। तो हमारा ये मिरर का मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो इसको अभी ये हमारा लूज है, तो इसको अभी मैं ठीक कर लेता हूँ।
ये सब चीज़ के लिए आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली कहीं पर भी किसी भी जगह खड़े होकर खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं इसको फटाफट से टाइट कर ले रहा हूँ ताकि हमें कभी भी डिस्टर्ब ना हो ट्रैफिक में। ये देखो एकदम परफेक्ट साइज है, इसको थोड़ा सा आप टाइट कर दो, ये डन। अब देखो नहीं हो रही है, हो गया। तो ऐसे ही आप लोगों को भी छोटी मोटी चीज़ें खुद से आप कर सकते हो, क्योंकि ये टूल वगैरह इसलिए ही हम लोगों को दी जाती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय बाय।